केरला, सिर्फ टी गार्डन्स, नेचुरल लैंडस्केप्स, माउंटेन्स, सीनिक ब्यूटी, स्पाइस फार्म्स, वाइल्ड लाइफ और बैकवाटर ही नहीं है। यहाँ पे एक और खूबसूरत दुनिया भी है, एक दुनिया जहाँ पे हजारों सालों से चल रही है एक अनमोल विरासत की कहानी। तो आइए आज के ये ट्रैवल व्लॉग में हम साथ में एक्सप्लोर करें केरला के ये अलग दुनिया को। लाइव देखने का जो एक्सपीरियंस है, जो एक्साइटमेंट है, वो बेसिकली मुझे यहाँ पे देखने को आज मौका मिल रहा है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो ये अभी जो केरला का सीरीज चल रहा है, ट्रैवल सीरीज, उसका नया एपिसोड में आप सभी का स्वागत। मैं अभी एक्चुअली जा रहा हूँ यहाँ पे केरला के कुछ ट्रेडिशनल, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि काफ़ी फेमस है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो देखने के लिए। काफ़ी अच्छा मौसम है, आप देखो ये पीछे जो वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरी का जो ये रीजन है, उसमें पूरा रेन क्लाउड्स आ गया है। चलते हैं आगे, मैं रिसोर्ट से भी निकल रहा हूँ और गाड़ी मेरा एक्चुअली वो रिसोर्ट के बाहर ही वेट कर रहा है। तो अभी मैं एक्चुअली जो हमारा रिसोर्ट है चित्रपुरम में मुन्नार के पास, तो उससे एक्चुअली अभी स्टार्ट करके हम लोग वो कल्चरल सेंटर जो है वहाँ पर जा रहे हैं। तो मैं जो एक्चुअली आपको जो केरलियन कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहा था, वो वर्ल्ड फेमस एक्टिविटीज़ है। आप डेफिनेटली एक का तो नाम सुने ही होंगे, विच इज़ द कथकली डांस एक्टिविटी, और दूसरा है कि मार्शल आर्ट के ऊपर यहाँ पे एक फेमस एक्टिविटी होते हैं, बहुत ही पुराना एक्चुअल एक्टिविटी है, विच इज़ कॉल्ड द कलरीपयट्टू एक्टिविटी। ये मुन्नार में सिर्फ नहीं, सारे केरला में बहुत सारे जगह पर ये शोज़ परफॉर्म होते हैं। तो आप कहीं पे भी अगर केरला में आते हो तो ये शोज़ यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। तो फिलहाल अभी एक्चुअली मैं मुन्नार में हूँ, तो मुन्नार में भी दो तीन जगह पे ये शोज़ यहाँ पे होते हैं। तो मैंने एक्चुअली यहाँ का जो कलरी क्षेत्र जो सेंटर है, वो सेंटर पे एक्चुअली मैंने यहाँ पे आके वो टिकट बुक किया था, आपको मैं पिछले ब्लॉग में दिखाया था जब मैं कोची से मुन्नार आया था। तो ये है कल्चरल सेंटर जो कलरी क्षेत्र नाम है, और इसके अंदर एक्चुअली दोनों शो होने वाले हैं। तो बैक टू बैक डेली शोज़ होते हैं एक्चुअली, लाइक इवनिंग टाइम पे ही होते हैं, डे टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे दिस शोज आर नॉट अवेलेबल। तो इवनिंग में 5 to 6 पहले कथकली डांस शो, उसके बाद फिर बैक टू बैक कलरी पैट शो होते हैं। तो अभी एक्चुअली मैं 5 नहीं बजा एग्जैक्टली, तो मैं थोड़ा आगे आ गया यहाँ पे। जब मैं टिकट बुक करने आया था, लोग बता रहे थे कि कथकली के लिए जो मेकअप होते हैं वो भी कुछ देखने की चीज़ होते हैं एक्चुअली। यू कैन फ्रीली टॉक टू द आर्टिस्ट एक्चुअली, उनसे बातें कर सकते हो, कुछ फोटो वगैरह वीडियो वगैरह शूट कर सकते हो। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न आई केम जस्ट बिफोर द शो इट्सेल्फ। तो अभी 4:30 बज रहे हैं, तो मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ वो एक्चुअली मेकअप कैसा हो रहा है वो देखने के लिए। तो ये मुन्नार का जो कलरी क्षेत्र है चित्रापुरम में, तो मैंने आपको थोड़ा अंदर दिखाया कि अभी जो कथकली डांस लाइव शो स्टार्ट होने वाला है, उनका आर्टिस्ट का जो अभी मेकअप स्टार्ट हो गया है। फिलहाल मैं थोड़ा ये सेंटर के पास से ही वॉक कर रहा हूँ, और करते करते यहाँ पे थोड़ा पीछे की तरफ भी मैं आ गया हूँ। आप देख सकते हो पीछे का व्यू, बड़े ब्यूटीफुल व्यू, राइट। तो चलिए मैं आज थोड़ा आपको ये दो शोज के बारे में बताता हूँ। तो ये जो कथकली शो है, ये बेसिकली आई थिंक जितना मुझे पता है कि 200-300 साल पहले ये केरला में स्टार्ट हुआ था। ये भी कहा जाता है कि जो लॉर्ड परशुराम है, उन्होंने ये पर्टिकुलर शो को स्टार्ट किया था। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी थ्रू द डांस परफॉर्मेंस। तो डांस करते करते जो लेजेंडरी स्टोरीज होते हैं, जैसे कि पुराने ज़माने पे महाभारत का स्टोरी होते थे या रामायण का स्टोरी होते थे, तो वो सब कृष्णनाट्यम या रामानाट्यम के नाम से कथकली के फॉर्म में दिखाए जाते थे। तो वो आज के दिन पे भी एक्चुअली ट्रेडिशनली कंटिन्यू होते जा रहा है सारे केरला में। तो काफ़ी जगह पे ये शोज़ होते हैं एंड काफ़ी फेमस है अक्रॉस द वर्ल्ड एक्चुअली।
और दूसरा जो है कलरीपायट्टू, इट्स अ काइंड ऑफ मार्शल आर्ट एक्चुअली। तो ये कहा जाता है कि दिस पर्टिकुलर कलरीपायट्टू जो मार्शल आर्ट केरला में मतलब स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड अराउंड 3000 ईयर्स बैक। तो ये लोग बोलते हैं कि दिस इज़ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट इन द होल वर्ल्ड एक्चुअली। मतलब हमको जैसे कुंफू, ताइक्वांडू, जो कैराटे, ये सब हमें देखने को मिलते हैं, ये सारे एक्चुअली ये पर्टिकुलर कलरीपायट्टू के बाद आए थे। तो पीपल हैव कम हियर इन इंडिया इन केरला, दे लर्न द टैक्टिक्स, दे लर्न द ट्रिक्स एक्चुअली, एंड दे वेंट बैक टू देयर कंट्री, और वो कंट्री में जाके उसका ही कुछ मॉडिफाइड वर्जन उन लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो मैं भी एक्चुअली नया हूँ, इवन दो मैं 4-5 बार ये केरला स्टेट पे एज ए ट्रैवलर आ चुका हूँ, पर ये जो शोज है ये कभी मैंने एक्चुअली इसके पहले नहीं देखा था। इट्स अ काइंड ऑफ न्यू एक्सपीरियंस गोइंग टू बी फॉर मी। तो थोड़ा अचानक से ये मतलब वेदर चेंज हो गया यहाँ पे, मतलब थोड़ी देर पहले तो काफ़ी धूप था और अभी बहुत ठंड हवा दे रहा है एक्चुअली, और काफ़ी ब्रीज भी दे रहा है, और दूर एक्चुअली मुझे रेन क्लाउड्स भी दिख रहा है। तो इट्स कंफर्टेबल वेदर, सो नाइस एक्चुअली। तो देखते हैं, मतलब शो के लिए तो मैं अंदर जाऊँगा, इट्स इंडोर शो, बाहर आऊँगा तो पता नहीं बारिश भी हो सकता है। कथकली में एक्चुअली 4-5 टाइप का ड्रेसेस है जो आर्टिस्ट लोग पहन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स और कैरेक्टर्स को डिपिक्ट करते हैं। कुछ पर्टिकुलर मेकअप है, पेंटिंग है, जो गॉड्स को या भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ डिमॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ साधु संत को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका टिकट जैसे मैं आपको बता रहा था कि डेली शोज होते हैं, तो थोड़ा वीकेंड पे आप आओगे या फिक्स सीजन पे आओगे तो ये इंश्योर करना कि आप टिकट थोड़ा एडवांस बुक कर लेना। इसका ऑनलाइन अवेलेबिलिटी नहीं है टिकट का, आपको काउंटर में आके ही बुक करना होता है। तो आप अगर मुन्नार पे आते हो तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आई हार्ट की ये शोज को विटनेस करने के लिए।
बाहर थोड़ा अंधेरा हो गया क्योंकि क्वाइट ऑब्वियस शो खत्म होते होते ऑलमोस्ट 7:30 हो गए थे, तो इसलिए मैं सोचा कि रिसोर्ट में आके ये ट्रैवल व्लॉग था उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। तो मैंने कोशिश किया कि जितने सारे ब्यूटीफुल फुटेजेस है वो इस पर्टिकुलर ब्लॉग में इंक्लूड करने के लिए। तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी डेफिनेटली। कथकली फिर भी मैंने टीवी वगैरह में देखा था, पर कलरीपयट्टू जो था वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। मतलब आई हैड सीन एक्चुअली सम फोटोज सम स्निपेट्स, बट आंखों के सामने जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जो फिटनेस होते हैं, वो सब जो देखने का जो मतलब मज़ा होता है टोटली डिफरेंट होते हैं। एक्चुअली जुड़े रहिए हमारे साथ, तो कल हम लोग एक नया ट्रैवल व्लॉग के साथ स्टार्ट करेंगे हमारा डे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड अदर ब्लॉग्स एज वेल। सी यू सून, बाय बाय।